आज निफ्टी में और सेंसेक्स में काफी हद तक एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और आज कहें तो काफी हद तक रिजल्ट का दिन है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आज मार्केट में देखने को सीधा सीधा मिलता रहेगा। निफ्टी का अपसाइड का रेजिस्टेंस देखें तो 10,980 और लोअर साइड पर सपोर्ट देखें तो 10,780, ये बीच का एक दायरा काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेंसेक्स में अगर देखिए तो इस समय 36,500 ऊपर साइड में रेजिस्टेंस और लोअर साइड पे 36,250, ये एक लॉन्गर रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, और इस वजह से मार्केट में काफ़ी हद तक अनस्टेबिलिटी सी भी देखने को मिलती है क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। अब रिजल्ट की आज जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उनकी बात करें तो आज है विप्रो, अतुल इंडस्ट्रीज, धनलक्ष्मी बैंक, ICICI लंबार्ड, कजारिया, L&T इन्फोटेक, मुथूट फाइनेंस और NIT टेक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी हद तक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं और इनके रिजल्ट आज आपको मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाते रहेंगे। साथ ही कुछ शेयर में बाय के हिसाब से देखना चाहिए, जैसे कल रिलायंस और HUL का रिजल्ट आया तो मार्केट में काफ़ी हद तक एक कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन आज बैंकिंग यहाँ पर प्लस करते हुए वापस से आपको नजर आ सकते हैं। जो कल करेक्शन था वो थोड़ा सा पॉजिटिव मूव की तरफ बदलता हुआ नजर आ सकता है।